हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इस समय हम हैं महाराणा प्रताप इंटरस्टेट बस टर्मिनल कश्मीरी गेट दिल्ली में, और दिल्ली से हम ट्रैवल करने वाले हैं जम्मू के लिए वाया हरियाणा के जहाज हरियाणा रोडवेज से। तो इस वीडियो में मैं आपको हरियाणा रोडवेज की टाइमिंग, हरियाणा रोडवेज का किराया, कहाँ कहाँ पर ये रुकती है, सब डिटेल में बताने जा रहा हूँ। तो वो खड़ी है हरियाणा रोडवेज बाहर निकलते ही एकदम सामने। ये है हमारी बस, आ चुकी है दिल्ली से जम्मू जाने के लिए। तो आप देख सकते हो दिल्ली टू जम्मू वाया जलंधर पठानकोट, और इस बस के अंदर हम चलते हैं और अपनी सीट पर बैठते हैं सबसे पहले। और ये दिल्ली डिपो की बस है, फिलहाल तो ये अभी खाली ही है, अभी तो जस्ट आई है। तो ये है भाई अपनी सीट, बिल्कुल एकदम फ्रंट में। सुबह के बज रहे हैं 6 और हमारा जहाज टेक ऑफ करने के लिए तैयार है। तो भाई जिसको भी वीडियो अच्छी लगेगी लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, और भाई कमेंट भी ज़रूर कर देना। सुबह 9 बजे से चल के अभी ये हरियाणा रोडवेज ने पहली ब्रेक लगाई है ये चाचा पंजाबी ढाबा पे 10:30 बजे। पहले हरियाणा रोडवेज रुकी थी 2 मिनट के लिए पानीपत में, 2 मिनट के लिए करनाल में, और हार्डली 2 ही मिनट के लिए अम्बाला में। तो उसके बाद डायरेक्ट यहीं पे आके चाचा पंजाबी ढाबा में ब्रेक लगाई है इसने। तो चाचा पंजाबी ढाबा पे खाना खाने के बाद ही व्लॉग कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या कैसा खाना मिलता है। तो भाई हम निकल रहे हैं ढाबे से खाना खाने के बाद। राजपुरा में ये है ये चाचा का ढाबा, और एक और हरियाणा रोडवेज आ गई है, ये शायद करनाल डिपो की है, दिल्ली कटरा है ये भी। देखने में थोड़ा सा पुराना लगता है ये ढाबा, तो वैसे खाना वाना अच्छा है। तो वो भाई हमारे हरियाणा रोडवेज के पायलट साहब भी आ चुके हैं। तो अब हम निकल रहे हैं भाई जम्मू की तरफ, तो चलो मिलते हैं रास्ते में। भाई अभी हम पहुंचे हैं जलंधर बस स्टॉप में, और राजपुरा के बाद अब गाड़ी रुकी है जलंधर कम से कम आधा घंटे के लिए, 2 बजे अभी यहां से चलेगी, 1:30 बजे पहुंची है जलंधर। तो राजपुरे के बाद जो इनका प्रॉपर स्टॉप है वो जलंधर ही है। तो जब तक गाड़ी रुकी है तब तक हम कुछ खाने पीने का ले आते हैं भाई जलंधर बस स्टॉप की तरफ। इस साइड भी मार्केट है पूरी, और इस साइड भी पीछे ढाबा, और इस साइड भी खाने पीने का। जलंधर बस स्टॉप के अंदर काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है ये वेटिंग एरिया, और वेटिंग एरिया के ही आसपास सारे ढाबे हैं, ये आप देख सकते हो सारे देसी ढाबा। और ये बीच में वेटिंग एरिया, और बैक साइड लोकल बस स्टॉप, और इस साइड ISBT। मेन जो ISBT है, ISBT जलंधर, यहाँ पे जो मेन मार्केट में दुकानें हैं ये सिर्फ चाय, कोल्ड ड्रिंक, लेज वगैरह, चिप्स की ही हैं। मेन जो ढाबे हैं वो वेटिंग एरिया की तरफ है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ब्रेड पकौड़ा, पूड़ी, चने भी हैं कहीं ना कहीं यहाँ पे किसी किसी दुकान पे। तो अभी हम चलते हैं, अब टाइम भी हो रहा हमारी बस का, तो अब हम चलते हैं अपने काउंटर नंबर 14 पे जहाँ पे हमारी बस लगी हुई है। तो ये है काउंटर नंबर 14 पठानकोट और जम्मू की बस, यहीं से मिलती है, और ये सामने हमारी खड़ी हुई है हरियाणा रोड पे। Thank you.
इस समय हम पहुंचे हैं मुकेरियाँ। तो ये हमारी गाड़ी अभी एक ढाबे में वापस रुकी है और ये लास्ट स्टॉप है हरियाणा रोडवेज का जम्मू जाने से पहले, और इसके बाद सीधा गाड़ी जम्मू ही रुकेगी। और यहाँ से जम्मू का डिस्टेंस लगभग 150 किलोमीटर है। तो अभी खाना खाने के बाद ये जाएगी तो 150 किलोमीटर कवर करने में 2-2.5 घंटे तो इसको लगेंगे ही लगेंगे। दिल्ली से निकलने के बाद पहले राजपुरा, राजपुरा के बाद जलंधर बस स्टैंड, और जलंधर बस स्टैंड के बाद ये मुकेरियाँ में ढाबा। बस ये 3 ही स्टॉप हैं हरियाणा रोडवेज के, और इन 3 स्टॉप कवर करने के बाद अभी ये गाड़ी सीधा जम्मू में ही रुकेगी और जम्मू के बाद सीधा कटरा। 600 से 700 किलोमीटर का डिस्टेंस ये गाड़ी 12 घंटे में कवर करती है। सुबह 6 बजे दिल्ली ISBT से निकली थी और शाम को 6 बजे ही जम्मू पहुंचेगी और 7 बजे कटरा। और इसके चार्जेस हैं जो किराया पर हेड है 750 दिल्ली से लेके जम्मू तक, और जिसने कटरा जाना हो उसका है 800+ दिल्ली से कटरा। आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो लाइक कर दो, शेयर कर दो और कमेंट जरूर कर देना।